12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे, 72 घंटे। इज़राइल ने कितने घंटों में हमास के सर्वनाश करने का प्लान बनाया है? कितने घंटे में फिलिस्तीन से हमास को जड़ से खत्म करने की योजना है? फिलिस्तीन की धरती से हमास का सब कुछ खत्म करने के लिए कितने घंटे का वक्त दिया है? क्या उगते सूरज के साथ अपने टैंकों के इस जमावड़े का वीडियो जारी कर इज़राइल ने अपने खूनी प्लान से पर्दा उठा दिया है? दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इज़राइल ने बहुत ही फुल प्रूफ ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्या इन टैंकों को गाजा की गलियों से गुजार कर हमास को कुचलने वाला है इज़राइल? दावे के मुताबिक इज़राइल के गाजा पर जमीनी हमले का टारगेट हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को तोड़ना है, उनके ठिकानों को तबाह करना है, हमास को मिट्टी में मिलाना है। इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? इस ऑपरेशन में कितनी जान जाएंगी, कितने लोगों का खून बहेगा, हमास के किन किन ठिकानों पर अटैक होगा? दावा है कि इस खूंखार खुफिया प्लान का खाका तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है। दावे के मुताबिक इज़राइल का प्लान है कि हमास पर इतना बड़ा हमला हो जो हमास को जड़ से खत्म कर दे। सेना के सीनियर ऑफिसर को हमास का सब कुछ खत्म करने का टारगेट दिया गया है। इज़राइल गाजा सीमा पर इज़राइल के टैंक जमा हो गए हैं, हजारों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं, गाजा में घुसने के लिए रेडी हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक इज़राइल की सेना के टॉप अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके पास बड़े पैमाने पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दावे के मुताबिक हमास के सर्वनाश के लिए तैयार किए गए ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन रखा गया है। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आईडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सेना को गाजा शहर में घुसने की मंजूरी मिल गई है और वो युद्ध करने के लिए तैयार है। इज़राइल की सेना का दावा है कि गाजा के खिलाफ बहुत ही लंबा और भीषण युद्ध होने वाला है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत हमास के आतंकियों की मांग पर इज़राइल उत्तर दिशा से हमला कर सकता है। हमास और इज़राइल के बीच युद्ध समय के साथ और ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है और हमास से निपटने के लिए इज़राइल ने एक फूल प्रूफ वॉर स्ट्रेटजी बनाई है। इस ऑपरेशन को इज़राइल की सेना 5 स्टेप्स में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम दे सकती है। पहले चरण की सबसे पहले बात कर लेंगे, स्टेप 1, उत्तरी गाजा को सीज कर देना। ये देखिए उत्तरी गाजा का ये इलाका है और यहां पर बाकायदा आपको टैंक्स और सैनिक भी दिखाई दे रहे होंगे। बॉर्डर पर खड़ी इज़राइल की लाखों की सेना कितनी हो गई है, लगभग 360,000 के करीब सेना की वहां पर तैनाती दी गई है और ये लाखों की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोलेगी और उसे सीज कर देगी। इसी चरण के तहत अभी इज़राइल की सेना हवाई हमलों से हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है, यानी कि अभी एयर स्ट्राइक करके इज़राइली सेना हावी हो रही है और ऑर्डर मिलते ही यही 360,000 की सेना जमीनी हमला करेगी, पूरी तरह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो यकीन मानिए हमास पूरी तरीके से पंगु हो जाएगा, अपने घुटने टेक देगा। लेकिन बात हम दूसरे स्टेप की भी करेंगे, दूसरा स्टेप दरअसल और भी ज्यादा खतरनाक है, हमास के आतंकियों और लीडरशिप को बाहर कर देना, यह भी प्लानिंग का एक हिस्सा है। देखिए अगर हमास के आतंकियों को और लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को वहां से बाहर कर दिया जाता है तो जाहिर है कि दिशा विहीन हमास हो जाएगा और फिर गाजा से नामो निशान मिटाने को लेकर इज़राइल की जो सेना है वो एक स्टेप और आगे हो जाएगी। लेकिन अगर हम तीसरे स्टेप की बात,
करें तो तीसरा स्टेप भी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया है, गाजा में इसराइल का एक मजबूत बेस बनाना। देखिए तीसरे स्टेप में इसराइल की सेना हमास की गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके, यानी कि गाजा में अब नई सुरक्षा व्यवस्था होगी जो पहले हमास की हुआ करती थी वो इजरायली सैनिकों की होगी, जिस पर पूरी तरीके से इजराइल की सेना का कब्जा भी होगा। लेकिन चौथे चरण की भी बात कर लेंगे, चौथा चरण क्या रहेगा? देखिए चौथा चरण रहेगा पिन पॉइंट अटैक, यानी कि कच्चा चिट्ठा हमास के आतंकियों का पहले निकाला जाएगा, उसके बाद उन्हें टारगेट किया जाएगा और फिर उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चौथे चरण में इसराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी कि सटीक तरीके से अटैक करेगी, और इस स्टेप में इसराइल की फोर्स छोटे छोटे ऑपरेशन जारी रखते हुए हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म कर देगी, यानी कि जो खुफिया तंत्र है हमास का उसे खत्म किया जाएगा। पांचवा और आखिरी स्टेप क्या होगा? पांचवा और आखिरी स्टेप यह रहने वाला है, हम आपको बताएं कि 5 साल में इसराइल की सेना धीरे धीरे हटेगी, यानी कि जो अब इस इलाके में आपको दिखाई दे रही है वो कोशिश करेंगे कि इस तरफ को आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। 5 सालों तक ये चलता रहेगा ये ऑपरेशन, और इस स्टेप में इसराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे 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 गाजा से अपनी सेना को हटा लेगी। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, देखिए उत्तरी गाजा को सबसे पहले सीज करने की प्लानिंग है स्टेप वन में, स्टेप टू में हमास के आतंकियों और लीडरशिप को बाहर कर देना है, दिशा विहीन कर देना है हमास को, जिससे कि हमास के मिलिटेंट जो है वो तितर बितर हो जाएं। तीसरे स्टेप में गाजा में इसराइल का मजबूत बेस बनाना, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिससे कि इजरायली सेना मजबूती से लड़ सके, वहीं पिन पॉइंट अटैक भी करना उन तमाम मिलिटेंट्स, उस तमाम खुफिया तंत्र पर जिसके भरोसे हमास चल रहा है। वहीं स्टेप 5 में 5 साल में इसराइल की सेना धीरे 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 करके अपने सैनिकों को पीछे हटाएगी, यानी कि कुल मिलाकर हमास के तमाम जो मिलिटेंट्स हैं उनका नामो निशान मिटा देने की इसराइली सेना की तैयारी है। न सिर्फ इतना बल्कि इतिहास के पन्नों में हमास को दफन कर देने का ये फूल प्रूफ वॉर स्ट्रेटजी, फूल प्रूफ वॉर प्लान है। लेकिन यह ऑपरेशन इसराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इसराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हमास ने इसराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इसराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया गया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया है कि कैसे वो इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर से अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इसराइली सेना का इंतजार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इसराइल की फौज कैसे गाजा में घुसने वाली है? गाजा में हमास के खिलाफ कितना खतरनाक जमीनी एक्शन करने वाली है? जवाब इसराइल बॉर्डर से आए इन तस्वीरों को देखने के बाद मिलता है। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 1। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 2। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 3। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 4। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 5। वीडियो तो बस बाकी है। इसराइल ने गाजा को घेर लिया है, इसराइल के जवान गाजा सीमा पर हैं, इसराइल के रक्षा मंत्री बॉर्डर का दौरा कर जमीनी हमले की बात बोल रहे हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री गाजा बॉर्डर से गरज रहे हैं कि पूरी फोर्स के साथ हम जीतने जा रहे हैं। जमीनी हमले की तैयारी पूरी है, इसके लिए गाजा बॉर्डर पर करीब 3 लाख इजरायली सैनिक और सैकड़ों टैंकों का जमावड़ा है। इसराइल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक गाजा बॉर्डर पर पहुंचकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जमीनी हमले को लेकर इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि गाजा के अंदर दाखिल होने का वक्त आ गया है। תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו
את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. सुना आपने, इजराइल के रक्षा मंत्री का अपने जवानों से कहना है कि जल्दी ही जमीनी हमले को हरी झंडी मिलने वाली है। ऐसे में हमास इजराइल के सैनिकों का कैसे मुकाबला करेगा? इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास क्या करेगा? गाजा में स्ट्रीट फाइट की कितनी भयंकर तैयारी है? अगर मोसाद या फिर इजराइल की सेना गाजा की गलियों में घुसी तो यकीन मानिए कि वो बहुत ही भयंकर युद्ध साबित होगा। इजराइल की सेना की योजना मरकावा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की हो सकती है। इजराइल का मरकावा दुनिया का सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। अब सवाल ये कि गाजा में हमास इजराइल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा? इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास के पास और क्या है? गाजा को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ तीन सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इजराइल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, इजराइल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इजराइल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? हमास की इस तैयारी को देखिए। यह तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इजराइल की फोर्स जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त गाजा पर इजराइल की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है। बावजूद इसके गाजा इजराइल से लोहा लेने के फुल मूड में है। गाजा में इजराइल की सेना को रोकने के लिए हमास तीन लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार कर चुका है। पहला है, इजराइल को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, उसके टैंक और मिसाइलों को निशाना बनाया जाए। दूसरा है, इजराइल की फौज जब गाजा बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो बॉर्डर पर ही उसको काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए, उसके टैंकों को तबाह किया जाए। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी गाजा की गलियों में इजराइल की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में गाजा का सबसे बड़ा मददगार उसके पास मौजूद हथियार बनने वाले हैं, उसका गुरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इजराइल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संकरी गलियां बनने वाली है, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेगी। सबसे असरदार साबित होने वाले गाजा के लड़ाकों के पास मौजूद एंटी टैंक मिसाइल, ये मिसाइल मरकावा पर मौत बनकर बरसेगी और मरकावा धुआं धुआं हो जाएगा। अगर यह हमला गुरिल्ला वॉर के तौर पर हुआ तो गाजा में भी यूक्रेन के मारियोपोल जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। ये स्नाइपर इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो सकते हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। बॉर्डर पर इस वक्त गाजा पूरी तरह से घिरा हुआ है और अंदर इजराइल की फोर्स गलियों और मोहल्लों में लड़ने की तैयारी में है, वो भी अपने सबसे शक्तिशाली टैंक मरकावा के साथ। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इजराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। अब इजराइल इसका नया वर्जन मार्क 4 शामिल करने जा रहा है, जो ज्यादा आधुनिक है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी गन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है, ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। अगर मिसाइल से अटैक भी हो तो वो बेअसर साबित हो। लेकिन गाजा में हमास की तैयारी भी कुछ कम नहीं है। मिसाल के तौर पर हमास के गुरिल्ला वार की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1,
वीडियो नंबर दो। वीडियो नंबर तीन। वीडियो नंबर चार। वीडियो नंबर पांच। अगर गाजा में जंग स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ती है तो इजराइल की सेना गाजा के गलियों में दाखिल होगी तो वहां सड़कों और मोहल्लों में जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में युद्ध की तस्वीरें और भयानक आएंगी। दशकों की तनातनी के बाद गाजा एक बार फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2023 में गाजा एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर हमास की सुरंग सेना। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजराइल की सेना कब्जा जमा लेगी, इसका फैसला गाजा की गलियों में छेड़ने वाली जंग से होगा, जिसकी तैयारी दोनों तरफ से पूरी है।